तो गाइज आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा इमोशनल है हमारा, जो आप लोग देखने जा रहे हैं अभी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई 19 नवंबर को मेरा जन्मदिन था, तो उस टाइम तो फातिमा मैडम ने मुझे कोई गिफ्ट वगैरह दे नहीं पाई वो। तो अभी फातिमा ने इस वाले व्लॉग के अंदर मुझे एक बड़ी ही प्यारी सी शर्ट गिफ्ट करी है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर और मतलब बताइएगा, कमेंट करेगा आप लोगों को शर्ट वो कैसी लगी। मतलब मैं कहता हूँ ब्रह्मांड के अंदर ऐसी शर्ट आज तक अपने हस्बैंड को किसी ने भी गिफ्ट नहीं करी होगी जैसी फातिमा ने करी है। तो आइए मिलके देखते हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज दिन है फ्राइडे का और सुबह के बज रहे हैं 9:30। मैं उठ चुकी हूँ सोकर, मैंने सोचा जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं, चलते हैं कमरे में। अभी मैं देख कर आई हूँ हानिया और ये बड़े प्यार से सो रहे हैं दोनों, और जब हानिया बड़ी हो जाएगी ना, जब देखेगी कि छोटे छोटे से सीन हम ले लेते हैं इसीलिए, और वो देखेगी जब बड़ी हो जाएगी कि मतलब हम डैडी और मैं ऐसे सो रहे थे प्यार से। मैं दिखाती हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे कैसे सो रहे हैं बाप बेटी दोनों। लाइट नहीं खोल रही, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये रहे कितने प्यार से सो रही है हानिया भी और ये भी दोनों। A few moments later. तो ये दोनों जा रहे हैं नमाज को, ठंड लग रही है, चलो जल्दी से जाओ, वहाँ नमाज नहीं मिलेगी, जल्दी जाओ, ध्यान से जाना, चप्पलें भी ध्यान से रखना, चप्पल पहले टूट गई खोलो। तो बच्चे तो चले गए नमाज के लिए और हानिया भी उठ गई, शायद आवाज आई थी मुझे, उठ गए आप दोनों, उठ गए, चलो सुबह हो गई। आप कितने वाली में जाओगे भाई नमाज पढ़ने? मैं दो वाली में, दयान दोन गए। गए वो तो दो। आप उठ जाओ, चलो फिर नहा लो उठ के। मैं तो दवाई खा के सुबह सो गया था, फिर दोबारा सोया। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये जाओगी आप, कहाँ कर लियो मेरी गुड़िया को? ये भाई ले लूँ मैं आपको, आ जाओ। यहाँ पे बच्चा आ चुका है नमाज पढ़ के, आ गए आप। भैया कहाँ है? आ जाओ। डर गए थे आप दोगी से? और मेरा भी काम निमट चुका है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है, और मैं भी नमाज से जल्दी से फारिग हो जाती हूँ। सफाई करी है ना हानिया आपने? आपने करी है सफाई? अच्छा माम करो, सबको माम करो, माम। अभी मूड नहीं है हानिया का, आज जल्दी से आ जाओ डैडी के पास, आ जाओ। वही मेरी गुड़िया रानी, अच्छा मुस्कुरा के दिखाओ, माम करो जुम्मे का, सबको सलाम करो, माम माम। उम्मा करो सबको, उम्मा उम्मा करो, उम्मा। हाँ रैयान क्या कर रहा है भाई? ओए होए रैयान साहब धो रहे हैं यहाँ पे फीटर हानिया की, आप दे दोगे? और रैयान ने यहाँ पे दूध भी गर्म कर दिया हानिया का, बहुत बढ़िया भाई। और रैयान आप तो यार हानिया के हैं भाई, नहीं कोई और भी नहीं करता वैसे आपकी तारीफ, आप अपने आप तो करते ही नहीं, कोई और भी नहीं करता आपकी तारीफ वैसे। चलो भाई यहाँ पे एक भाई ने एक बहन के लिए फीडर कर दी तैयार। आ डुम डुम डुम्मा अनु कैसे आ डुम डुम डुम्मा। और गाइज ये वाली चादर है ना फातिमा ने पहली बार बिछाई है यहाँ पे, मतलब ये बेड पे बिछी हुई थी आज से पहले। और रैयान साहब पढ़ रहे थे यहाँ पे सिपारा अपना, मगर हानिया ने कर दिया परेशान, है ना भाई। और फातिमा मैडम पढ़ रही है अभी नमाज। भैया यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, अंदर पढ़ती हूँ मैं नमाज, बहुत तेज धूप हो रही है। बिल्ली आप हटो यहाँ से, हाँ यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ से धूप हो रही है बहुत तेज। और मम्मी जब नमाज पढ़ लेंगे, जब फिर मम्मी बनाएंगी खाना। नमाज से सब लोग फारिग हो चुके हैं माशाल्लाह से घर के अंदर, और अभी फातिमा ने निकाल लिया है खाना हमारे लिए, और फातिमा ने आज फिर से मेरे लिए बनाया है घास फूस। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके फातिमा बकरा बनाने वाली है, और मैं थोड़े दिन में ना वहाँ पे जाल पे बंधा बना चलाऊंगा आपको, और मेरे आगे बंधे होंगे पत्ते और मेरा चल रहा होगा इलाज। तो ठीक है अभी दिखाता हूँ क्या बनाया फातिमा ने मेरे लिए। और यहाँ पे रैयान जोहान यूँ परेशान है दोनों के, हमने डैडी इतनी सारी मेथी तोड़ी थी रात आपके लिए, और ये बनी इतनी सी है बेटा, ये ना वो हो जाती है बुझक जाती है, ये है ना बुझक कहते हैं ना बुझक, बुझक जाती है, मतलब इन्होंने ढेरों तोड़ी थी और ये बनने के बाद इतनी सी हुई है मेरे लिए। अच्छा इसमें पालक तो नहीं है ना? पालक भी मेरा बंद है। आई डुम्मा क्या कह रही हो? आई डुम्मा। चलो भाई ठीक है गाइस यहाँ पे करते हैं खाने की शुरुआत। अच्छा जुमे वाले दिन है ना मुझे गाइस बड़ा शौक था, मैं फातिमा से हरदम हर जुमे को तहारी बनवाता था या फिर पुलाव बनवाता था या फिर बिरयानी बनवाता था, तो मुझे बड़ा शौक था जुमे वाले दिन चावल खाने का। चावल का तो खैर वैसे भी माशाल्लाह से हम सभी शौकीन है। अच्छा कहाँ है?
जुबान, मैं वजू बताता हूँ पहले आपको। तो ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरे बच्चे और बीवी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार सुबह से। गाइस हमारा तो खाना पीना हो गया भाई, और अभी कबूतर और चिड़िया के लिए डाल देते हैं यहाँ पे ये वाले चावल। खा गए फातिमा, उड़ गए देखो वो। ओह सॉरी, रोटी चावल नहीं। मेरी क्या रोटी बंद हो गई, मुझे रोटी दिखनी बंद हो गई। मेरे दिमाग में बिरयानी और ये पुलाव घूम रही है ना, तो मुझे रोटी भी चावल नजर आ रहे हैं। कांगे फादर मेरे उठते कबूतर भाग गए, चोचे मार रहे थे इस पे टीन के ऊपर। फातिमा ये तो जो तुमने पहले वाली रोटी रखी इसका तो सारा आटा चूरा सा बना दिया इन्होंने, देखो आटा। अबे यार मैं समझा मैंने क्या, मैं नहीं, मैं समझा यार रोटी है, और रोटी उसने यहाँ पे चूर चूर के चोचे मार मार के उसका पाउडर बना दिया। हाँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस टाइम रोटी, अगर मुझे खुद को नहीं मिलने खाने को। चलो जी यहाँ पे डाल देते हैं कबूतर के लिए। पानी रोटी खाई है। हाँ नहीं वो कबूतर भी है ना यहाँ पे बैठ के, मतलब पहले तो उसने खाया दाना और उसके बाद फिर देख के ना इधर उधर और उड़ गया। उन्हें पानी तो रखने रखा, हल्का सी औरत उड़ गया फिर। पोस्ती होते, मैंने किसी के मुंह से सुना था पोस्ती आलकस को कहते हैं, बस सुना था कोई थी कोई अबला परी। अबला परी। तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं और रियान जा रहे हैं मार्केट, और जुआन भी झांक रहे हैं इधर। और मैं और रियान मार्केट जा रहे हैं फ्राइडे मार्केट, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के कपड़े अच्छे मिलते हैं, और रैयान ने माशाल्लाह से एकदम से हाइट निकाल दी है, तो सारे कपड़े रैयान के छोटे हो गए, जोहान के काम आ रहे हैं वो। तो इसलिए मैं रैयान के कपड़े लेने जा रही हूँ घर में पहनने के लिए, डेली यूज के लिए। तो चलिए दिखाते हैं फ्राइडे मार्केट, थोड़ी सी वीडियो भी लाएंगे वहाँ की बना। आप क्या जाग रहे हो फिर? मतलब भाई आज गए, आज जुमा है, मैंने 12-13 टाइम की नमाज पढ़ ली सुबह से माशाल्लाह से। पांच टाइम की होती है, पांच टाइम की होती है। हाँ, मगरिब की भी पढ़ लेना, मगरिब की भी पढ़ लेना इंशाल्लाह ताला। आप जाएं बाजार, आप नमाज, मतलब हम तो नमाज में सजदे के अंदर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला पैसा भेज, तुम जा जाके खर्च करो, कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं मांग रहा हूँ तुम्हारे पीछे बैठ के। आमीन। देखिए हम आए हुए रोहतास नगर की मार्केट में, और यहाँ पे 50-50 रुपए की ये स्लीपर मिल रही थी, जो कि मैं हानिया के लिए देख रही थी। और यहाँ पे ये फ्लावर भी थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये हैं कानों के बुंदे, जो 40-40, 80-80 रुपए के थे, और ये सब सामान 30-30 रुपए का मिल रहा था यहाँ पे। बहुत अच्छी मार्केट है ये, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ। और सब मैं बॉटल वगैरह भी लेकर आई हूँ उसमें की, कांच की, आपने देखी होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना सस्ता सामान मिल रहा है, बच्चों की जैकेट वगैरह 200 रुपए में, कोई 250 रुपए में, कोई 150 में, हर रेट में मिल रही है यहाँ पे। तो आप लोग जरूर आइएगा सर्दी के कपड़े लेने, बच्चों के, बड़ों के, सबके मिल रहे हैं यहाँ पे। और मैंने रैयान के भी पजामे लिए हैं, इनसे 4 पजामे लेकर आई हूँ रैयान के, गरम, बहुत अच्छे रेट में मिल गए। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और ये लिए मैंने रैयान की हुडी 350-300 रुपये की, क्योंकि रैयान के सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं। तो गाइस देखिए मैं आ चुकी हूँ, और मेरा सांस चढ़ा बहुत ज़्यादा, चलिए बैल बजा देते हैं। बिलूटा बिल्लू बेटी, मेरे हाथ में सामान है बिल्लीता। तो गाइस यहाँ पे फातिमा ये लग रहा चने बेचने आई हो तुम, हैं चने बेचने वाली लग रही हो बिल्कुल। क्या बढ़ रही बता रहे इसके अंदर बढ़ रही है। ओ भैया, ओ अच्छा भप कर रही है, नहीं गुस्सा कर रही है भाई, मगर बच्ची जरा सी देर को नहीं रोई माशाल्लाह से। रियान का क्या? रियान पनीर लेना। अरे वाह, चलो अभी दिखाते हैं सब निकाल के। तो गाइस फातिमा के चेहरे की मुस्कान जो है ना वो बाजार है बस। तो भाई फातिमा बेहद खुश है बाजार से आके, और मैं आपके लिए शर्ट लाई हूं। ओए होए, मेरा बर्थडे गिफ्ट आ जाया है ये, दिखाना जरा खोल के दिखाओ। हाँ माशाल्लाह पहन के से डॉक्टर लगूंगा बिल्कुल, मुझे लग रहा है। नहीं छोटी बड़ी होगी, चेंज हो जाएगी। दिखाओ क्या साइज है? 4XL। 4XL पता है 4XL कितना हो गया?
जैसे वो हंसराज हारती आता है ना उसके अंदर तारक मेहता उल्टा चश्मा में, इतना बड़ा हो गया फोर एक्सेल। वैसे ही चोर साइज होते हैं, वैसे भी लिखा हुआ कुछ होता है, होता कुछ है। जरा दिखाओ इस डैडी वहाँ से शर्ट पहन कर आ रहे हैं, जो मम्मी लाई थी डैडी के लिए। गिफ्ट करिए डैडी को। अच्छा और ऐसी शर्ट गिफ्ट करिए, हंसराज हाथी के भी मुझे लगा ढीली आएगी। आ जाओ डैडी जल्दी। गाइस भाई मेरी शर्ट आई है देखो, पता नहीं शर्ट की फ्रॉक आई है, बात बन गई थी देख तो लो जरा। मगर इस शर्ट के अंदर एक फायदा है, पेट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। एसी पे रखा मैं शर्ट, अगर दो तीन दफा ऐसा करा ना सर पे आकर उतरना। ये जाऊंगा शादी में पहन के अलग ही दिखोगे। मैं कह रहा हूँ तुम खोल रहे चादर लगी पूरी यहाँ की, नौजवानो बात मानो, किसी से ना प्यार करना। हाँ ये देख रही हो रेडियो क्या हो गया, जिंदगी ने क्या मजाक करा है मेरे साथ यार। चलो तो गाइस अभी ये शर्ट है ना दोबारा से हो रही है पैक, क्योंकि फातिमा मैडम लेकर आई है हमारे लिए गिफ्ट, और गिफ्ट हो गया बहुत मोटा, तो इस वजह से भी जा रहे हैं इसको वापसी करने। ये शर्ट इतनी बढ़िया, छोटा हाथी के बच्चे के आ जाएंगे, ये हाथी के बच्चे भी ढीला आएगा इसके अंदर। अभी चल रहे हैं इसको वापसी करने। ये मैंने कहा ना आपको हमारी जान पे काम बढ़ाती हैं बस ये फातिमा मैडम जो है, दो तीन घंटे में खुद आई हूँ बाजार से, अब मुझे बाजार लेके जा रही है, वापस चलो इसे बदलने। 6 बजे गए थे, हाँ मगरिब की अजान हो गई थी तुम्हारे यहाँ, कितने टाइम हो रहा है, 10:15 हो रहे हैं। नहीं ना फिर अल्लाह मतलब 7:30 हो रहे हैं ना, अब ईशा की अजान हो गई। हाँ अब तो गाइस ये रैयान के ना घर में पहनने के कपड़े अच्छे लग रही है रैयान यार, क्योंकि रैयान के कपड़े बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे पहले से एकदम से हाइट बढ़ाई है रैयान ने हमारे, है ना माशाल्लाह से हाइट भी मेरे बराबर पहुंच गया। हाँ और दिखाना, बस दो ही लाया हुई है फिर दो ही, ये लोअर आए हैं रैयान के पहनने के। हम फिर जा रहे हैं गाइस यहाँ से शर्ट को बदलने चारों, देखो ये भी जाएगी अब पूरी खुशी अब जाने के नाम पे। पकड़ लो चलो, मैं भी लूं पर्स अपना। नहीं पर्स मैंने ले लिया, रहने दो पैसे तो ले लो। अरे पैसे मेरे पास है नहीं क्या यार, क्या हो गया बिल्कुल ही गरीब घर से समझ लिया। काम बढ़ाने हो ना तो फातिमा से मिल लो आगे, सच में एक शर्ट 13 साल में एक शर्ट लाई हो मेरी, और वो भी मतलब इतनी बड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी परसों शादी हुई तुमसे, तुम्हें मेरे साइज का ही नहीं पता। और रैयान तो जो करा कि मम्मा ने इतनी बेइज्जती कराई डैडी, वहाँ पे कई लोग खड़े हुए थे तो मम्मा कह रही 4XL आएगी मेरे हस्बैंड के, तो वो सब मम्मा की तरफ देखने लगे, कह रहे कैसी लेडी से, नाजुक सी लेडी से इसका हाथ ही जमिया हुआ। वो समझ गए होंगे हाँ यार बेइज्जती करा दी। तो गाइस हम लोग आ तो चुके हैं रोहतास नगर, और भाई फटाफट हमने यहाँ पे शर्ट अपनी चेंज कर दी है क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम हो रहा था, तो हमारी शर्ट चेंज हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापसी। थका दिया फातिमा ने शर्टों के लिए, शर्ट लिया है गाइस हम, आ जाओ लो ये पकड़ दो, इसे मैं पकड़ दूँ थक गई बिल्ली। आओ रेडी पास आओ। देखिए गाइस ये लोग खेल रहे हैं बैट बॉल और बैडमिंटन खेल चुके हैं ये, अब बैट बॉल खेल रहे हैं। ये गए हुए हैं दाल हजम करने, मुर्गा तो कभी हजम करा नहीं, दाल हजम कर रहे हैं अब आएंगे सब दाल हजम करके। और हमने 9:30 बजे खाना खा लिया था सब ने, तो इसलिए ये लोग चले गए और मैं सफाई कर लेती हूँ, कर ली मैंने सारी, और थोड़ा सा हानिया के कपड़े वगैरह चेंज करा देती हूँ, और फिर मुझे पढ़नी है इशा की नमाज़। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और फातिमा पढ़ रही हैं यहाँ पे इशा की नमाज़, और भाई मैंने तो मगरिब तक की पढ़ी आज। और रैयान लिया है मेरे लिए दवाई के लिए पानी, बेटा एक काम करो एक चम्मच और ला के दो, चम्मच लाओ दवाई उठाते हैं वहाँ से। पढ़ ली फातिमा नमाज़। तो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं और हानिया उधर गाने चला रही है, देखो ज़रा ये बच्ची है ना हानिया, मम्मा नमाज़ पढ़ रही है इधर आओ हानिया, और बाजीगर की अम्मी तो आ गई भाई ये बच्ची, आप मम्मा अच्छा इधर नमाज़ पढ़ रही हैं, आप उधर गाने सुननी हैं भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, ओ बच्ची ओ सोनू बच्चे दुगला, 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 अच्छा उधर को तो उतारो, तो उतारो तो इसे उतारो, टू 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 टू, अच्छा मम्मा को उम्मा कर दो हानिया, मम्मा को उम्मा कर दो, मम्मा नमाज पढ़ रही है ना, मम्मा को उम्मा कर दो जल्दी से एक कर दो, आई अल्लाह अल्लाह। अच्छा आज मैंने भी पढ़ी है 4 टाइम की नमाज, मुझे तो करानी है आपने, भाग गई हाँ जी। तो गाइस यहाँ पे दवाई का ले लेते हैं मज़ा, दवाई का ले लेते हैं जायका, सोने के पहले ये सोने के बाद है ये वाली,
जब मैं सो जाऊँ ना उसके बाद पीनी है मुझे है? पहले तो बेटा पहली तो होगी, बात थोड़ी होगी यार, कैसी बातें करो रैयान मियां। सो गाइस देखिए भैया बनाने जा रहे कॉफी ब्रू वाली और वो भी इस बोतल के अंदर। ये बिल्कुल स्टारबक्स की कॉफी वाली बोतल है। डैडी मम्मी का दिल कर रहा था कॉफी पीने का। क्या ने 1 किलो पानी ले लिया है? 1 किलो नहीं, थोड़ा सा पानी है हमारा। ओजा ओजा इसे कटेगी ब्रू की कॉफी। डाल देते हैं चीनी। इस कॉफी को पीते हुए स्टारबक्स की फील आएगी। यहाँ पे हमारा पानी हो चुका है गर्म और ये जो अभी हमने इसे ज्यादा गर्म गर्म नहीं डाले क्योंकि ये कांच का गिलास है तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पहले। और पानी ठंडा हो चुका है भैया डालेंगे इसके अंदर। नहीं ठंडा नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल हो चुका है। हाथ हटाओ भैया। तो गाइस रैयान बना रहा है मेरे और मम्मा के लिए अपनी कॉफी। डैडी क्या मुझे कुछ कहना है? क्या कहना? अनाबी ने जैसे वो उससे कराई थी ग्राइंडर से, हाँ उससे अच्छा ये है। मैंने वीडियो देखी थी, इससे करोगे ना इससे सिर्फ 5 मिनट तक करना गाड़ी गाड़ी एकदम फ्लफी फ्लफी की हो जाती है। फ्लफी फ्लफी हो तो मैं अनाबी से हाँ। तो भाई ये अनाबी से क्या अनाबी से क्या मैं क्या हूँ अनाबी से कि इसमें बनाना है या फिर स्प्राइट की बोतल ले लो या किसी और। अच्छा भी हाथ में से छूटना जाए कभी इसमें से बने ही ना पाए, आराम से हिला लो कभी ये फूट जाए मिस्टर भाई। तो गाइस यहाँ पे कॉफी बन गई और गाय भी है मम्मी के लिए। क्या झाग आ रहे हैं भाई? अभी सर थोड़ा शेक कर लेंगे मुझे भी देना ठीक है। सो गाइस देखिए कॉफी बन चुकी है सर, आपकी स्टारबक्स कॉफी आ चुकी है। इसके 350 रुपीज हो गए। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है। शायद आ चुकी है। देखो मैं कितनी अच्छी बात लिख रखी है, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है इसलिए तो रास्ते की हर ठोकर हया करती है। बहुत बढ़िया। आगे बस यही था, समझ में आना चाहिए।